हेलो एंड नमस्कार। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं मंत्रा चैंटिंग पे एक वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ, तो हियर वी आर। मंत्रा चैंटिंग, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे मंत्रास को यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए। अब वो सिर्फ एक वे था, एक इम्प्लीमेंटेशन था कि आप अदरवाइज मंत्रा चैंटिंग बहुत चीज़ों के लिए होता है। अगेन यू कैन गेट इट ऑनलाइन भी, या आपके जो भी आसपास लोग होंगे जो आपको वो मंत्र सजेस्ट करते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्लियरिंग के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके एनर्जी एनहैंसमेंट के लिए होती हैं। तो हर मंत्र के अलग अलग मीनिंग और यूजेस होते हैं, बट वन ऑफ द यूज जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इज़ टू रीच टू दैट मेडिटेटिव स्टेट। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जो ऑफ कोर्स जब आपको थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप फेस करते हैं। सो अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर आप सबसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एंड वन ऑफ दैट थिंग इज जब आपको वो मंत्र एकदम अच्छे से याद हो जाता है कि आप चलते फिरते उठते बैठते बोल सकते हैं मोस्टली। देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो होता है प्रोनंसिएशन का। जब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है प्रोनंसिएशन, आपको चैंट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ प्ले कर दीजिए। वो उसकी वाइब्रेशंस को फील करिए, वो एनर्जी को फील करिए, तब तक चैंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आपको याद हो गया, और ऐसे याद हो गया है कि जैसे मैंने कहा कि बस ऐसे आप कभी भी बोल सकते हैं, या किसी ने अगर बीच से भी शुरू किया तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तब एक प्रॉब्लम आती है एंड दैट इज ये साथ में काम करना शुरू कर देता है। कैसे? आपका मंत्र चैंटिंग चल रहा होता है आपके सबकॉन्शियस में, क्योंकि वो तो अब अंदर बस चुका है ना मंत्र, बट आपका कॉन्शियस माइंड अपना काम शुरू कर देता है सोचने का। अब क्या होगा, कितना टाइम हो गया, इसके बाद मुझे क्या करना है, उसने क्या बोला था, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो एक थॉट रहता है ना कि मंत्रा चैंटिंग मतलब उस मंत्र में उस उतनी देर के लिए आपने खो जाना है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है कि आप रहते हैं उस मंत्र में, पूरी तरह से नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपके वो अंदर चलता रहता है मंत्र, और वो इतना आप कंफर्टेबल हो चुके होते हैं ना कि आपको उसके लिए अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड यूज़ नहीं करना पड़ता है। आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस पर काम कर रहा होता है। जैसे हम अपना काम करते करते गाने गुनगुनाते हैं, या हम खाना बना रहे हैं, या हम कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं और गाना चल रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप गाना गुनगुना रहे तो आपकी पेंटिंग बिगड़ जाएगी, आप खाने में नमक की जगह शक्कर डाल देंगे। या ये भी नहीं होता कि आपको कोई गाना बहुत अच्छी तरीके से याद है पर आप खाना बना रहे हैं। इवन अगर आप नए फर्स्ट टाइम कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं ना, कि आप यूट्यूब में देख देख के कर रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या कि गाने की लाइन भूल जाए? नहीं। तब हो सकता है जब मे बी आपने अभी अभी वो गाना सीखा हो या सुना हो, बट अगर वो आपको बहुत टाइम से याद है, दैट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स एंड ऑल, वो गाना भी बराबर चलता रहेगा, यहाँ अपना काम भी बराबर चलता रहता है। क्योंकि ये जो आप एक्टिवली कर रहे हैं ये आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, और वो जो गाना है वो तो आपके अंदर बस चुका है, तो वो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो इस चैलेंज से हम कैसे निकल सकते हैं, उसका एक बहुत स्वीट सा वे है। इट इज़ नॉट जस्ट वे, आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा कि उस मंत्र की या उस प्रेयर की मीनिंग को समझ लीजिए। हम लोग बहुत ना, स्पेशली हिंदूज, बचपन से हमको मंत्र सिखा दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है वो मीनिंग जानने की कोशिश भी नहीं करते। उनको बस पता रहता है कि ये फलाने वाले भगवान जी का मंत्र है, या इस मंत्र से ये होता है, पर उन शब्दों का एक्चुअली क्या मीनिंग है, या आप क्या प्रे कर रहे हैं, वो कोई जानने के बारे में सोचता ही नहीं है। पूरी कई लोगों की तो जिंदगी निकल जाती है वो नहीं सोचते हैं। सो दैट वेज, और लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस करके ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो मंत्र चैंट करें, आप कोई भी अपना प्रेयर बोल सकते हैं। बट यहाँ हम बात करें पर्टिकुलरली मंत्रा चैंटिंग की, या मे बी अगर आप कोई ऐसा प्रेयर बोलते हैं जो एक डिफरेंट लैंग्वेज में हो, जो आपकी यूजुअल लैंग्वेज में नहीं है, तो कैसे करना है? वॉट यू हैव टू डू इज कि उस मंत्र का मीनिंग समझिए कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। अपने सबकॉन्शियस को वो मंत्र जाप करने दो, और जो उसका मीनिंग है वो कॉन्शियसली प्रे करिए। फॉर एग्जाम्पल, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या है, आप श्री कृष्ण के अलग अलग फॉर्म्स का नाम ले रहे हैं कि कृष्ण वासुदेव,
हे हरि हे परमात्मा मेरी जिंदगी की कलेश खत्म करो, लेट योर सबकॉन्शियस चैंट ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि हे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय, और आप कॉन्शियसली बोलिए कि हे कृष्ण, आप उनके उस फॉर्म को विजुअलाइज करिए, हे वासुदेव मेरी जिंदगी के कलेश को खत्म करो, हे कृष्ण, इमेजिन करो कृष्ण को इस फॉर्म में, इमेजिन करिए कृष्ण जी को माखन खाते हुए या किसी अच्छी स्वीट सी गाय पे टिके हुए हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग फॉर्म्स हैं, आप अलग अलग फॉर्म्स में उनको इमेजिन करिए और उनको बोलो मेरी ज़िंदगी के कलेश को ख़त्म करो, मेरी ज़िंदगी के कलेश को ख़त्म करो। अब आपका जो सबकॉन्शियस है वो उस मंत्र को चैंट कर रहा है और जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो उस प्रेयर को, इट यू आर लिविंग दैट प्रेयर, यू आर एक्चुअली प्रेइंग। जैसे गाना गुनगुनाते हैं वैसे आपने वो मंत्र सिर्फ चैंट नहीं किया कि गुनगुना रहे हैं और यहाँ कुछ और कर रहे हैं, आप दोनों तरफ से सेम ही काम कर रहे हैं। तो पहले तो भाई इफेक्ट अच्छा हो जाएगा, डबल और पावरफुल हो जाएगा, और दूसरा वो जो चैंट करते करते ये किधर और चला जाता है ना, वो चीज़ रुक जाएगी। अब ये तो मैंने बोला कि भाई अगर कोई मंत्र है कि अब जैसे महामृत्युंजय जाप सबको पता रहता है, ज़्यादातर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिम बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यामामृतात्, मीनिंग कितनों को पता है कि जो त्रिनेत्र हैं हम उनसे प्रे कर रहे हैं कि भाई मुझे मृत्यु और दुनिया की जो चीज़ें उनसे मोक्ष दिलवाइए। सो आप जब वर्ड टू वर्ड उनका जो मीनिंग है ना कि त्रिनेत्र तीन नेत्रधारी जो हैं मैं उनसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, सो जब आप वैसे करेंगे तो अब वो ऐसे रट्टा पड़ा हुआ है तो आपका सबकॉन्शियस वो मंत्र पढ़ता रहेगा, और आप अगर आप एक जगह, मैं बोलती हूँ कुछ वो करते हुए, आप एक जगह भी बैठे हुए हैं आप ये मंत्र पढ़ते रहेंगे, अचानक आपको लगेगा अच्छा यहाँ से ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, किसके घर में ड्रिल हो रहा है, मंत्र चल रहा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिम बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यामामृतात्, अरे यार पसीना आ रहा है, गर्मी बढ़ गई है, बारिश कब होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो मंत्र काम नहीं कर रहा है, पर आप एनर्जी एक टाइम पर भी एक साथ फोकस नहीं कर रहे हो ना। बहुत सारे मंत्र होते हैं जो आपको बोला जाता है हनुमान चालीसा कि आप घर पे प्ले कर दो, चलने दो एनर्जी, और आपको जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो करनी है। अब मैं पूजा करते वक्त हनुमान चालीसा एक बार रिसाइट कर लेती हूँ, बट एट टाइम्स आई प्ले इट, तो वो अलग बात है कि आप उस वक्त उस एनर्जी को घर में स्प्रेड कर रहे हैं और आप अपनी बाकी की एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर एक बार तो पूरी तरीके से उन पे सरेंडर करो, एक दिन तो दिन का एक टाइम तो जो दो, जब आप पर्टिकुलरली उधर ही फोकस कर रहे होगे कि जब आप ये नहीं सोच रहे हो कि गर्मी बढ़ गई, अच्छा बारिश हो रही थी बंद हो गई, ड्रिलिंग की आवाज़ किसके घर से आ रही है, फॉर दैट जो आप प्रे कर रहे हैं कि हे देवता ये करना है वो करना है, या मैं बोलती हूँ अगर सिंपल लैंग्वेज में भी है, से आपका कोई प्रेयर है जो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उनका कोई एक प्रेयर है, कोई गाना ही है, या आपका अपना बनाया हुआ एक प्रेयर है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान जी से क्या प्रे करो यही प्रे करो कि भगवान जी जाने अनजाने भी मेरे से कोई गलत काम नहीं हो, मुझे प्लीज़ उस चीज़ के लिए गाइड करते रहिए, मैं सही रास्ते पे चलूँ इस चीज़ के लिए मुझे हिम्मत भी दो और मुझे गाइड भी करते रहो। लेट्स से हम यही प्रे कर रहे हैं। अब अगर मैं इसका एक सेंटेंस बना ले, अब तो ये कैसा है, ये एक फीलिंग है जिसपे मैं कोई तो भी वर्ड्स डाल के बोल रही हूँ, मैं हर बार अलग अलग बोलूँगी। लेट्स से मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर्म कर लिया है कि मुझे यही बोलना है, भगवान जी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं सही रास्ते पे चलूँ और उसके लिए और गलत रास्ते पे ना जाऊं, इसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए, भगवान जी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं सही रास्ते पे चलूं और मैं गलत रास्ते पे नहीं चलूं, इसके लिए मुझे सपोर्ट करिए। अब अगर मैं इसको रट लूंगी ना, या मैं कॉन्स्टेंटली कुछ दिन तक बोलती रहूंगी, तो मेरा सबकॉन्शियस ना उसको पकड़ लेगा और कॉन्शियस माइंड कहीं और घूमता रहेगा। सो सिंपल वर्ड्स में भी अगर आपके प्रेयर हैं, फमीलियर वर्ड में भी, तो फील करो भगवान जी को इमेजिन करो कि मुझे हिम्मत दो कि मैं सही रास्ते पे चलूं, फील इट, मैं सही रास्ते पे चलूँ और मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊँ। आप चाहो तो रास्ता इमेजिन कर लो, जो भी आपके शैडो पार्ट्स हैं कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप हर्ट जल्दी हो जाते हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हैं उस जो भी आपके वो इमोशंस हैं, आप इमोशनली जल्दी किसी के भी उसमें वो हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, वो सब चीज़ जो भी है आपका थॉट, उस थॉट को इमेजिन करो और उसके लिए मुझे उस पर नहीं जाऊँ, इसके लिए मुझे सपोर्ट करो, इमेजिन कर लो उनका सपोर्ट कि उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है मैं हूँ। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में भी बोल रहे हो
तो जो मीनिंग है ना, जो आप प्रे कर रहे हैं उस प्रे को कॉन्शियस, जिस जब आप उस स्टेट पे आ जाएं कि मंत्र जाप करते करते सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो लाइंस पे जा रहा है, तो डू दिस. तो इससे क्या होगा, एक तो उस स्टेज पर आने के बाद, सी बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो जाती है, व्हेन आई सिट व्हेन आई एम चैंटिंग, मैं उनको पहले ही विजुअलाइज कर लेती हूँ और मैं उनसे बात कर रही होती हूँ. जब आप ऐसे करेंगे, या बहुत बार मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं जो मेरी चैंटिंग है मैं वही कर लेती हूँ, तो वो तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि कहीं और दिमाग दौड़ने की बात ही नहीं आती. बट जब ऐसा हो या जिनके साथ ऐसा हो, देर इज़ अ फैबुलस वे एंड इज दिस ओनली, कि जो आप बोल रहे हैं वो मीन करो बस. वो उनसे कॉन्स्टेंटली प्रे करो कि हे कृष्ण, अब मैंने कृष्ण देख लिया, हे वासुदेव, मैंने उनको गाय चराते हुए देख लिया, कि मेरे जिंदगी का कलेश खत्म करो. तो जो भी कलेश है, वट एवर कलेश, तो आप उस कलेश को इमेजिन करो. आप एक बार में एक कलेश इमेजिन करो, आप जितनी बार चैंटिंग करेंगे आप हर बार अलग अलग कलेश कर सकते हो. कि यार मेरी अपनी आदत कर लो, दुनिया की क्या करनी है, कि फलाने ऐसे करते हैं ये कलेश मिटा दो, मैं ऐसा करती हूँ ये कलेश मिटा दो, बारिश नहीं हो रही है ये वाला कलेश मिटा दो. सो वट एवर इट इज, तो जितने कलेश है ना, जितनी बार चैंट करेंगे हर बार अलग अलग. सो इट इज़ इन योर हैंड, जिसके साथ जो सूटेबल है, जो कंफर्टेबल है. जैसे ऐसे कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो आप सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, सबकी जर्नी अलग है, जस्ट गो विद द फ्लो. मेरी जो मेंटोर हैं, मुझे अभी भी याद है, मैं जब भी उनसे कुछ पूछती थी, वो हर पता नहीं फॉर सम वे ना एक आंसर देती थी, और बाद में उनका एक ज़रूर आता था, गो विद द फ्लो. फिर मैंने कुछ और चीज़ पूछी, कोई और क्वेश्चन पूछे, उनका एक सोल्यूशन बता दिया या एक आंसर बता दिया, फिर वो बोलती थी गो विद द फ्लो. मुझे लगता था मैम ना बहुत हर चीज़ में बोलती हूँ गो विद द फ्लो. ऑनेस्टली दैट इज़ द आंसर टू गो विद द फ्लो. जैसे मैंने पिछली बार बोला था पिछले वीडियो में, जितनी देर मेडिटेट करना है वो आपके हाथ में है. गो विद द फ्लो, खुद को बताने दो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कितनी देर करना है. खुद को मतलब आपके हायर सेल्फ को, आपके इस सेल्फ को बताने दो. मेडिटेशन मतलब इस द जर्नी विद इन. सो आपके जो अंदर की सोनल है उसको बाहर की सोनल को बताने दो, ऐसे करना है, अभी करना है, इतनी देर ही करना है, इस तरीके से करना है. हैव अ फैबुलस एंड ब्लेस्ड एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज, जब आप करने लगेंगे ना तो इससे मोहब्बत हो जाती है, फिर इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है. सो आई विश ऑल ऑफ यू कि आप जल्दी जल्दी ये जर्नी शुरू करें, और जल्दी जल्दी वो जो एक ब्लेस्ड एंड एक ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस है उस पर पहुँचे. जैसे कि जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तो इसके आफ्टरवर्ड्स में एक स्टेटमेंट है दैट वी आर नॉट human beings having spiritual experiences, we are spiritual beings who are having human experiences. ये सब चीज़ें जब ये बढ़ोगे या ये सब करोगे तो अपने आप का मीनिंग समझ में आएगा. बट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, इसलिए मैंने आप सबसे शेयर कर ली. सो गो हैड, और ये जब एक्सपीरियंसेस होंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में, मुझे भी खुशी होगी और जो बाकी के सारे लोग पढ़ेंगे उनके लिए भी एक एनकरेजिंग चीज़ हो जाएगी, उनके लिए भी शायद वो रिलेट कर पाएं. दुनिया के दो अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों को सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसा ये भी बताते हैं. सो आई सी यू ऑल वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, योर फैमिली मेम्बर एंड पीपल अराउंड यू, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल.